अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो Y22 को, जिसको वीवो ने इंडोनेशियन कंट्री के अंदर लॉन्च कर दिया है। बेसिकली दो स्मार्टफोन होने वाले हैं, एक वीवो Y22 होने वाला है और दूसरा वीवो Y22S होने वाला है। वीवो Y22S के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को चेकआउट करना चाहें तो भाई चेक कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है वीवो Y22 पर। बेसिकली इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन में कुछ डिफरेंस है, तो भाई मैंने सोचा यार क्यों ना आप लोगों को बताया जाए कि भाई Vivo Y22 के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है। सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं Vivo Y22 के रिलेटेड। देखो इस वीडियो का एंड तक, बहुत मजा आने वाला है। लाइक कीजिए, बहुत सारे लाइक कीजिए, सिर्फ 100 लाइक्स का टारगेट है, आप लोगों ने पूरा करना है। कमेंट आप लोगों ने लाजमी करना है, शेयर भी करना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा डिस्प्ले को। तो यहां पर 6.55 इंचेस के एक IPS पैनल देखने को मिलेगा विद HD+ रेजोल्यूशन, देयर इज नो हायर रिफ्रेश रेट। एक नॉर्मल 60 हर्ट्ज का पैनल दिया जाएगा, एटलीस्ट यहां पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए था। आप लोग क्या कहते हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड भाई नोच डिस्प्ले के साथ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी, जिसकी मदद से आप लोग 1080p में वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेसिकली ये वीवो की तरफ से आने वाले एक बजट स्मार्टफोन होगा, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 35,000 से 40,000 की प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। यस भाई, पाकिस्तान में जो आप बजट है ना वो 30,000 से 40,000 रुपए हो चुका है, क्योंकि डॉलर जो है ना वो काफी ज्यादा ऊपर चला गया है, जो कि काफी ज्यादा बुरी बात बन जाती है। मेरे हिसाब से स्मार्टफोन की पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस ज्यादा से ज्यादा 25,000 से 27,000 रुपए होनी चाहिए, लेकिन ये स्मार्टफोन डॉलर को देखते हुए तकरीबन पाकिस्तानी मार्केट में 35,000 से 40,000 की प्राइस में लॉन्च किया जाएगा, जो कि ओवर प्राइस है। आप लोग Vivo Y21 से ही अंदाजा लगा सकते हैं, वो भाई तकरीबन 37,000 की प्राइस में बिक रहा है, तो भाई ये आराम से 40,000 से 42,000 की प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। स्पेशली Vivo और Oppo ऑफलाइन मार्केट को ज्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में इनके स्मार्टफोन ज्यादा सेल आउट होते हैं, क्योंकि भाई ऑफलाइन मार्केट में Oppo और Vivo का नाम चलता है और भाई इनकी रीसेल वैल्यू भी काफी ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से Oppo और Vivo का स्मार्टफोन जो है ना वो ऑफलाइन मार्केट में ज्यादा सेल आउट होता है। Vivo Y21 के अंदर स्पेसिफिकेशन को इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोस्ट सेलिंग डिवाइस रही है भाई Vivo Y21, जो मैं सुन के ना काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया। उसकी वजह यही है भाई, नाम सिर्फ वीवो का है और वीवो की जो है ना वो इस टाइम ऑफलाइन मार्केट में जो है ना वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्या डिज़ाइन के हवाले से बात करो तो स्मार्टफोन की बैक प्लास्टिक की है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। पर्सनली स्मार्टफोन का डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बैक पर आप लोगों को पैटर्न देखने को मिलेंगे, जो कि बॉक्सेस शेप में आते हैं, और भाई ये वाला डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा है। आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा है लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। क्या डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, डिस्प्ले एवरेज प्रोवाइड किया गया है। अब बात करते हैं बैक कैमरा की, तो स्मार्टफोन की बैक पर दो कैमरे देखने को मिलेंगे। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा, और आप लोग मेन सेंसर को ही लेकर चलें, जो कि 50 मेगापिक्सल का है, वही वर्क करेगा। अब ये तो आने पे चेक करेंगे कि भाई इस स्मार्टफोन के बैक एंड फ्रंट कैमरे की जो क्वालिटी है वो हमें कैसी देखने को मिलती है। वैसे अनबॉक्सिंग आप लोगों को स्मार्टफोन की इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, तो भाई आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके अलावा गाइस, ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा, फ्रंट टच ओएस 12 देखने को मिल जाएगा Vivo का। चिपसेट की बात करो तो चिपसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर आप लोगों को MediaTek Helio G85 देखने को मिलेगा, जो कि 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस करता है, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा अच्छा चिपसेट है। मतलब कि आप लोग स्मार्टफोन में PUBG 40 FPS पे खेल सकते हैं। PUBG के अंदर आप लोगों को कोई लैग वगैरह देखने को मिलेगा या फिर नहीं, ये जब आएगा टेस्ट करेंगे तभी आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन Gyro स्मार्टफोन में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। Gyro सॉफ्टवेयर बेस ही आने वाला है, हार्डवेयर बेस देखने को नहीं मिलेगा। मेमोरी वेरिएंट की बात करो तो भाई स्मार्टफोन के 2-3 वेरिएंट होने वाले हैं, 4/64, 4/128 और 6/128। इसमें से एक या फिर दो वेरिएंट ही पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे। इसी के साथ डुअल सिम का स्लॉट भी होगा और साथ ही आप लोगों को डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट भी मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करो तो स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ फेस अनलॉक का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट में बात करते हैं बैटरी की, तो यह स्मार्टफोन टाइप सी के साथ आएगा, 5000mAh की बैटरी है, जिसके साथ 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। क्योंकि यह स्मार्टफोन जो है ना वो बजट के अंदर आने वाला है, तो भाई 18W की फास्ट चार्जिंग मिलेगी, मतलब कि यह स्मार्टफोन 2 घंटे 10 मिनट के अंदर 0 to 100 फुल हो जाएगा। सो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो भाई कुछ चीजें स्मार्टफोन के अंदर अच्छी की गई हैं, लेकिन कुछ चीजें आप लोगों को वैसे ही देखने को मिलती हैं जो आप लोगों को पुराने स्मार्टफोन में देखने को मिलती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इंप्रूवमेंट लानी चाहिए थी, क्योंकि ये Vivo का बजट स्मार्टफोन होने वाला है, तो भाई Vivo आप लोगों को पता है कि भाई एक तो महंगा ब्रांड है और ऊपर से भाई स्पेसिफिकेशन भी आप लोगों को चुन चुन के प्रोवाइड करता है। बहरहाल ये स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट में दबा के सेल होने वाला है, ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, और भाई लोग इसको परचेस करेंगे आंखें बंद करके, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करूंगा और आप लोगों को अपना
ओपिनियन जरूर दूंगा कि भाई आप लोगों को ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं, क्या ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी होगा या फिर नहीं, जब आएगा तभी आप लोगों को क्लियर कर पाऊंगा। लॉन्च डेट के हवाले से बात करूं तो भाई स्मार्टफोन को इंडोनेशियन कंट्री में लॉन्च कर दिया गया है और आप लोगों को पता है कि भाई पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, सियासी हालात बड़े गर्म हैं। आप लोग यही एक्सपेक्ट करके चलें कि भाई अगले साल ही हमें पाकिस्तान में स्मार्टफोन जो है ना वो नए स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिलेंगे। इस साल बहुत ज्यादा कम स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, शायद की बात कोई भाई 2-4 स्मार्टफोन लॉन्च किए जाए भाई अगले 2-3 मंथ के अंदर, इससे ज्यादा फोन लॉन्च नहीं होने वाले। स्पार्क 9 सीरीज पड़ी हुई है, पोवा 3 पड़ा हुआ है, उसके बाद इन्फिनिक्स नोट 12 जो आने वाला था प्रो वो पड़ा हुआ है, उसके बाद वीवो के इतने स्मार्टफोन है, ओप्पो के अपकमिंग स्मार्टफोन है, कोई भी नहीं आ रहा भाई, सिर्फ सियासत की वजह से। और भाई मईशत डाउन हुई पड़ी है, डॉलर ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से ये स्मार्टफोन जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द वक्त आएगा जब आप लोगों को इस चैनल के ऊपर बहुत सारी अनबॉक्सिंग मिलेंगी, धड़ाधड़ अनबॉक्सिंग मिलेंगी। तो भाई आप लोगों ने काइंडली सपोर्ट जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।